जय श्री राम प्रिय भक्तों, प्रिय भक्तों, आज हम आपको सोहंग मंत्र का सांसों के साथ कैसे जप किया जाता है ये एक प्रैक्टिस क्लास है, क्योंकि कई कमेंट आ चुके हैं कि आप प्रैक्टिस क्लास रखिए ताकि हम आपके साथ कर सकें और हमें अच्छी तरह से करना आ सके। तो वैसे तो हम अपने बहुत से वीडियो में बता चुके हैं किस तरह से करना है, लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे बिगनर्स के लिए, जो कि शुरुआती साधक हैं, बिल्कुल नए हैं या फिर पुराने भी हैं जिनको करना नहीं आता, तो वो हमें देख के ऐसे ही करेंगे। तो आपको इसका बहुत ही अधिक लाभ मिलेगा, क्योंकि जब तक ठीक से नहीं करेंगे तब तक आपको लाभ मिलेगा नहीं। तुलसीदास ने कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी और आधी ते पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की कटे कोटि अपराध। तो अगर कोई व्यक्ति एक घड़ी में होती है 24 मिनट, और एक घड़ी का मतलब होता है कि वो परमात्मा एक है, एक घड़ी कर ले तो बहुत बहुत ही सर्वोत्तम, और एक घड़ी का आधा 12 मिनट कर ले तो भी सही है। कोई 12 मिनट भी नहीं कर पाए तो कम से कम 6 मिनट तो अवश्य ही करे। अगर प्रतिदिन कोई 6 मिनट राम नाम का जप कर लेता है, जैसे कि आप सोहम मंत्र का जप करोगे तो वो जप ही है, वो भी समझ लो राम नाम से भी वो ऊपर है। तो अगर आप 6 मिनट कर लोगे तो आपके कोटि अपराध कट जाएंगे और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी, आपके सभी काम बनने लगेंगे, दुख दूर होने लगेंगे, जीवन में परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तो शुरुआत करेंगे 6 मिनट से। फिर अगले अगर आप कहेंगे तो अगली प्रैक्टिस क्लास में 12 मिनट, और उससे अगली प्रैक्टिस क्लास में 24 मिनट पर ऐसे करते करते हम आएंगे। अगर आप 24 मिनट प्रतिदिन हमें देख के कर लेंगे तो इससे उत्तम तो कुछ है ही नहीं। और सोहंग मंत्र के बारे में ज्यादा डिटेल से आज हम नहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। काफी चैनल पर वीडियो है, उनको आप देखना। सोहंग मंत्र ये समझ लीजिए कि ये परमात्मा ने हमें स्वयं दिया है, हर जीव को पैदा होते ही, और सो की ध्वनि जब हम ऊपर सांस लेते हैं तो सो की आवाज आती है, जब हम छोड़ते हैं तो हंग की आती है। सो का मतलब वो परमात्मा, और हंग का मतलब जी आत्मा, और सो का मतलब शक्ति भी होता है और हंग का मतलब शिव भी होता है। तो इस शिव और शक्ति से ये पूरी सृष्टि बनी हुई, यानी कि शिव और शक्ति आपकी श्वासों में ही है। अगर आपने सोहंग मंत्र का जब ठीक से करना जान लिया और इसका अभ्यास कर लिया तो आप जो चाहेंगे वो आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए 6 मिनट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, बिल्कुल सीधे बैठ जाना है, और अगर कोई साधक बुजुर्ग है, किसी के कोई बैठने में प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल सीधा लेट जाए, तकिया बिल्कुल भी नहीं लगाना है। उसके बाद अगर आप सीधे बैठते हैं तो ये होती है ज्ञान मुद्रा। कई इसको ऐसे लगाते हैं, वो ठीक, इसको सही अगर लगाएंगे तो इसको ऐसे लगाया जाता है, और थोड़ा इसको टच करके रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ ये भी आत्मा और परमात्मा है, ये आत्मा और ये परमात्मा, तो इनको टच करके रखें और बिल्कुल सीधा करके अपने घुटनों पे रखें। और चलिए देखो, हम तो आपको बोल के बताएंगे लेकिन आपको मन में बोलना है, क्योंकि सोहंग मंत्र वाणी से बोलकर नहीं जपा जाता। करना कैसे है, जो हमारी प्राकृतिक श्वासें चल रही है वो तो देखो चल रही है, शुरुआती साधक उन जो हमारी प्राकृतिक श्वास चल रही है उसके ऊपर आप अपना ध्यान नहीं ले जा सकते। तो क्या करना शुरुआती साधकों को, शुरुआती साधकों को लंबी सांस लेनी है, थोड़ी लंबी, देखो ऐसे, ऐसे सांस लेनी है 6 मिनट तक, और हर श्वास में जब ऊपर सांस जाए तो ऐसे कर बोलना है। देखो मन में सो, और थोड़ी सा गैप भी आता है सांस में, वो जो सो और है के बीच में एस होता है, एस जैसा, वो जितनी देर हमारी श्वास रुकती है उसके लिए होता है। तो अभी आपको रोकनी नहीं है, लेकिन ऑटोमेटिकली थोड़ा सा गैप आता है तो वो आने दे। सो बोले, सो मन में, और फिर सांस को छोड़ दे, सो, देखो ऐसे, ठीक है। अब हम कर रहे हैं, मन में हम सो और हंग बोलेंगे, और आप भी हमारे साथ मन में ही सो और हंग बोलें और अपनी लंबी और गहरी सांसें लेते रहें। आपको और कुछ नहीं करना, आपका पूरा ध्यान शुरुआती साधकों को अपनी सांसों के ऊपर ही टिका के रखना है कि मेरी बस सांस आ रही है और जा रही है। अब शुरू करते हैं चलिए, और इसको आप एनी टाइम कर सकते हैं, खाना खाने के आधा घंटे बाद किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह करें, रात को सोते समय करें, दिन में करें, एनी टाइम, कोई इसमें पाबंद नहीं है समय का। तो चलिए शुरू करते हैं। कमर की हड्डी जो है, ये रीढ़ की हड्डी, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए,
अगर किसी से बैठने में प्रॉब्लम होती है तो पीछे तकिया लगा सकता है बिल्कुल, लेकिन हड्डी सीधी होनी चाहिए बिल्कुल ऐसे, क्योंकि इसका बहुत महत्व है। जब ये हड्डी सीधी होती है तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी चालू हो जाती है। तो चलिए सीधे बिल्कुल हाथ और बिल्कुल 6 मिनट लंबी और सांसें लेंगे और छोड़ेंगे और सो और हंग मन में बोलेंगे।
अब 6 मिनट हो चुकी है, 6 मिनट होने के बाद आप रुक जाएं। आपको श्वासों को रोकना नहीं है, बस आपकी 6 मिनट पूरी हो गई, आप रुक जाएं और रुक करके रिलैक्स फील करें कि आपकी बॉडी में क्या हो रहा है। उसमें भी आपको बहुत अच्छा अनुभव होगा, क्योंकि जो आपने ऐसी थोड़ी लंबी सांसें ली है वो भी सोहंग मंत्र के साथ, तो आपको इसका अद्भुत अद्भुत परिणाम पहले दिन से ही मिलेगा। और ये अभ्यास 6-6 मिनट करके आप दिन में कई बार कर सकते हैं, जितना आपके पास समय है। इस अभ्यास का कोई भी नुकसान नहीं है, जितना आप करेंगे उतना ही अधिक आपको लाभ मिलेगा। लेकिन कम से कम 6 मिनट तो एक बार तो अवश्य करें, ज्यादा करेंगे तो सोने पर सुहागा है। इसी के साथ कोई आपका अगर प्रश्न है तो कमेंट कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रेमी भक्तों।